now there is strategy number two it is about to promote norms values and community mechanisms uh, first of all it identify and promote positive norms such as respect inclusivity and collaboration this can be done through communication education and reinforcement of desired norms in various settings तो एक तरफ तो उन्होंने इदारों की बात की कि भाई उनको आइडेंटिफाई करें अब वो कह रहे हैं कि वो नॉर्म्स भी आपने आइडेंटिफाई करने अपनी पॉलिसीज़ के अंदर बताएं कि असल में होना क्या चाहिए था कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हमें ज़रूरत है जिनमें से हम समझते हैं कि रेस्पेक्ट का कल्चर हो इंक्लूजटी हो हर तरह के बच्चों को शामिल किया जाए कलर के बुनाद पे रेस की बुना पे क्लास की बुना पे वेल्थ की बुनियाद पे उनकी जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं उनको मिटिगेट किया जाए फिर ये कि हम समझते हैं कि उन एक अच्छा कम्युनिकेशन हो हमारे इदारों के अंदर उनको तालीम दी जाए अब कम्युनिकेशन किसके अंदर पेरेंट्स के अंदर टीचर्स के अंदर गवर्नमेंट के, के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन सब के मिलजुल के काम करने में कम्युनिकेशन होना चाहिए और फिर जो हमारा डिज़ायर्ड नॉर्म्स हैं कि असल में हम क्या चाहते हैं कैसी कम्युनिटी हम तरवीज़ देना चाहते हैं किस तरह के बच्चे हमें चाहिए हम अपने बच्चों के लिए किस तरह की तरबियत चाहते हैं वो तो सारा फैसला हमें करना है और अपनी पॉलिसीज में शामिल करना है और हमें इसको री के तौर पे शामिल करना है कि जो हम में से अच्छा काम कर रहा होगा हमें उसको अप्रीशिएट करना है उसको अप्लाज देनी है और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करनी है डिफरेंट सेटिस में देन क्लैरिफाई एंड प्रमोट कोर वैल्यूज दैट हेल्प टू ऑफ इस्ट एंड डायरेक्शन इन लाइफ अब कोर वैल्यूज़ का भी हमें डिसाइड करना है देखिए हम डिफरेंट हमारे कल्चर होते हैं ना कुछ जैसे यूरोपियन कल्चर्स हैं एशियन कल्चर्स हैं हमारा पाकिस्तानी कल्चर है फिर मज़हब की बुनियाद पे हमारे कल्चर होते हैं मुस्लिम कल्चर है जूश कल्चर है क्रिश्चियन कल्चर है, है तो हमें अपनी वैल्यूज़ के बारे में डिसाइड करना है कि हम किस तरह के लोग हैं हमारा मजहब क्या है हमारा इलाका क्या है हमारा कल्चर क्या है हमारी क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए और उन वैल्यूज़ के मुताबिक हमें अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर तरबियत देनी है और फिर हमने एक अपना पर्पज और डायरेक्शन चूज कर लेनी है कि इसी समत में हमने जाना है और इन्हीं मकासद के लिए हमारी जो कोशिश होंगी इसी के लिए होंगी सो फॉस्टर कम्युनिटी मेकनिज्म अब जोनिसेफ़ का ख्याल है कि कोई शख्स अकेला कुछ नहीं कर सकता मैं आज अपने बच्चे की बेहतर तरबियत करूँ स्कूल में उसको जो है वो बुलिंग का शिकार हो जाए या जा उसके साथ मेल ट्रीटमेंट हो जाए घर से बाहर उसके साथ मैल ट्रीटमेंट हो जाए लोग गलत मिल जाए तो अब सारा सिस्टम जब तक ठीक नहीं होगा बच्चा महफूज तो नहीं है तो वो कहते हैं जी पूरा कम्युनिटी का मैकेनिज्म बनाएँ लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हों बच बच्च, सब बच्चों को सपोर्ट मिल रही हो सच एज फोरम्स हों कमेटीज हों सोशल ग्रुप्स हों टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर इंटरेक्शन कलाबोरेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्व जहाँ कहीं मसला है उनको हल करने के लिए कोई एक नहीं माशरे के अरकान मिल के फोरम्स बनाएं कमेटीज़ बनाएं ताकि सिनर्जीज सामने आए हर किसी की जो एबिलिटीज़ हैं वो इसके अंदर खर्च हों सब मिल के कोशिश करें और हम बेहतर हल की तरफ आएँ सो लेट बाई एग्जाम्पल लीडर्स प्ले आ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग नॉर्म्स वैल्यूज एंड कम्युनिटी मैकेनिज्म यानी आपके जो लीडर्स हैं वो खुद रोल मॉडल बने ना इस सिलसिले में वो हमारे हुक्मरानों को भी कहते हैं कि भाई आप खुद अगर रोल मॉडल बनेंगे आप खुद बच्चों को वायलेंस से बचाने के लिए हिस्सा लेंगे कंट्रीब्यूट करेंगे पॉलिसीज बनाने में कमेटीज़ बनाने में एक्शन लेने में तो पूरी कम्युनिटी फिर आपकी मदद के लिए उठ खड़ी होती वो भी आपका साथ देते हैं और इंडिविजुअल्स की बारी तो बहुत बाद में आती तो वो ये कहते हैं कि मिलजुल के काम करने की ज़रूरत है देन फाइनली प्रोवाइड रिसोर्सेज एज ट्रेनिंग एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर तो कहते हैं ये सब करने के लिए जहाँ कहीं आपको रिसोर्सेस की ज़रूरत है कि लोगों को ट्रेनिंग देनी है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है इदारों में इक्विपमेंट देने हैं या वाले को अवेयरनेस देनी है मीडिया को इन्वॉल्व करना है या आपने कोई और तरह से लोगों के अंदर शौर पहलाना है तो जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो सब हकूमत को प्रोवाइड करने चाहिए उसके लिए कमेटीज़ बनाएं रिसोर्स को इकट्ठा करें और ये काम करने की ज़रूरत है ताकि मजमू तौर पर हम अपने बच्चों के बारे में कॉन्शियस हों और उनको वायलेंस से बचा सकें